अब की बार कहावत है, सरकार तो नहीं बोल सकते पर सीएसआईआर तो बोल सकते हैं। अब की बार हमारी होगी सीएसआईआर। माइक्रोस्कोपी के ऊपर बात करते हैं। अब देखो जिंदगी में जैसे ही आपके किसी भी पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटेशन में आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कांग्रेचुलेशंस अक्षय, अक्षय कुमार भी आए थे क्लास में। बाबू भैया ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हो गया हो तो बताइए फिर। हो गया सर, हम लोगों के लिए वो दिन कब आएगा? आएगा भाई साहब, रोते काहे रहते हो यार, सबकी शादी एक ही दिन हुई थी क्या? जिसकी किस्मत में जब शादी लिखी हुई थी तब शादी हो गई थी ना, कि सबकी शादी एक ही दिन हुई थी। आपकी शादी भी होगी, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा। कभी कभी कुछ लोगों का लेट शादी होता है, किसी किसी की जल्दी हो जाती है। मेहनत करो, आप क्या करोगे? अर्शदीप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अर्शदीप ने भाई वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करी थी। हाँ यहाँ भी आया था अर्शदीप भाई, अच्छी बॉलिंग करी थी, तूने मस्त फेंका था। सर आई क्वालिफाइड डीआरएफ विद आईआई 129, कॉन्ग्रेचुलेशन। रोशनी ने भी जो है अपनी जिंदगी में रोशनी कर दिया। और कोई है भाई? आई एम अ गर्ल। ओके, एक तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, क्योंकि उनमें दीप दोनों में जुड़ता है। और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नवदीप, वो लड़का है, और उसकी गर्लफ्रेंड है अर्शदीप, वो लड़की है। मेरे को काफी कभी कंफ्यूजन होता है, मैं दोस्त को अर्शदीप बोल देता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड को नवदीप बोल देता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा चलता है। माय रैंक इज 187, ठीक है। रैंक वैंक का ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, क्वालीफाई करके इंटरव्यू की तैयारी करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और दोबारा एग्जाम देकर जो है सीट खाने की कोशिश मत करना दूसरों के बहकावे में आके ना, क्योंकि रैंक से कोई कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। तो देखिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स थे उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगी, और इसकी वजह से उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया और ये लोग क्वालिफाई करके। आप अपनी जिंदगी में भी माइक्रोस्कोप लगाइए और जो प्रॉब्लम्स या जो मिस्टेक्स आप नेग्लेक्ट करते हो उन मिस्टेक्स को एम्प्लीफाई करिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ इतनी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें लगता है हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे वो रिजल्ट में रोड़ा डाल रही होती है, और इसी वजह से उनको हमें देखना जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में भी एक माइक्रोस्कोप लगाइए और देखिए कि वो छोटी मिस्टेक्स है कौन सी। देखो अब यहाँ पे 10 दिनों तक, मतलब 10 दिनों तक क्या महीने भर भी बोल सकता हूँ, बट अब 10-15 दिनों तक तो है भूचाल आएगा। आज तो मान लो चल रहा है पूरा दिन चलेगा, बट इसके बाद एक भूचाल आएगा इंटरव्यू सेशंस का, इंटरव्यू विद टॉपर्स, हाउ आई क्लियर दिस, है ना। आप लोग आराम से देखिएगा, मस्त एंटरटेनिंग होगा, एंजॉय करिएगा। और यस, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, इतना इतना मेरा बच्चा है तू, ये वाला बड़ो। और बेस बढ़ा सकता हूँ लेकिन बढ़ा नहीं रहा हूँ, बट ठीक है, अपन अपनी जरूरत के हिसाब से बेस बढ़ा लेते हैं जब भी लगता है। अब फिलहाल के लिए हर कोचिंग बोलेगा ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, ये सब मेरा बच्चा है, और इन सबसे दूर है ना, अपना टाइम ज़ाया मत करना, क्योंकि इन मेरा बच्चा है कि तू में अब जाओगे ना तो बड़ा कच्चा है तू वाली कहानी आ जाएगी, और लिटरली इस बच्चे के चक्कर में आप कच्चे बनेंगे और गच्चे खा जाएंगे, और गच्चे खाएंगे तो अगला जो सीएसआईआर होने वाला है उसके लिए शायद फिर से अगली बार तैयारी। हमेशा किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान ने एक लाइन बोली थी कि विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड द लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। जो जीतने वाले होते हैं वो विनिंग पे फोकस करते हैं और जो लूजर्स होते हैं वो विनर्स पे फोकस करते हैं। आपका फोकस विनिंग पे है कि विनर्स पे है, अब ये डिसाइड आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कौन क्वालिफाई किया, क्या किया, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जहाँ पे आपको जाना है उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। कौन कितने अटेम्प्ट में किया, कौन क्या यूनिट पढ़ के किया। अभी देखो कई लोग इतने नाजुक होंगे ना कि वो फॉलो करने लगेंगे अपना, वो ना कोई कुछ बोलेगा कि यार मैंने तो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई नहीं था, मैं तो इस एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म से पढ़ी थी, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप कहोगे हाँ यार मैं वहाँ सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, या कोई बोलेगा मैंने तो वीरेंद्र सिंह से पढ़ाई नहीं, वीरेंद्र सिंह तो इतना एटीट्यूड वाला इंसान है, बहुत घमंडी है ये तुम्हारी लाइफ में, ये बहुत घटिया इंसान, कई लोग वैसे बोलते हैं ना। तो कुछ जैसे मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो पढ़ते भी थे मेरे से, या जो मेरे मित्र लोगों को ये लोग टेक्स्ट करते, मतलब ये कहते कि ये बहुत घटिया इंसान है तुम इसे मित्रता मत करो, और उन लर्नर्स को पता नहीं चलता कि अरे मेरे मतलब जो जानने वाले लोगों से बताओगे मेरे पास पता चल जाएगा, ठीक है। तो बट ठीक है, कुल मिला जुला के उस चक्कर चक्कर में आपको हाँ यार ये बात सही है, ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला इंसान है, अब दूसरे के पास चल लेते हैं। एनी पर्टिकुलर कंडीशंस कुड बी देयर, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मिस्टेक्स जो है दूसरे कभी नहीं बता सकते आपकी जिंदगी में कि आपने मिस्टेक करी क्या। वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जो है बैठा नहीं था, आपके साथ आपके पास्ट में वो जिया नहीं है। बशीर बद्र ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है कामयाबी के ऊपर कि यूं ही इतनी आसानी से नहीं मिल गए मुझे ये फूल, आपने मेरा कांटो भरा बिस्तर देखा कहाँ है। तो कई सारे जो कामयाब हुए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, और आप भी मेहनत करिए, दूसरे के हिसाब से जो है अपना वो कंडीशन मत करिएगा, वो बहुत इलॉजिकल होता है। अपना अपना ओपिनियन फॉलो करिए। अभी चलेगा ये थोड़ा सा माहौल ऐसा है, लहर जैसा, कोविड का जैसे लहर होता है वैसे लहर है। अभी महीना भर 15 दिन ऐसे धूम मचा के चलेगा, ठीक है। अभी शाम तक या कल तक देखना सारे कोचिंग्स वाले बैनर निकालेंगे ये AIR 1, AIR 2, AIR 3, AIR 4, AIR 5। व्हाट इफ यू आर AIR 187, उसने मेहनत नहीं करी क्या जो अभी 187 के साथ है? भाई कोचिंग का नाम मत लिया करो चैट बॉक्स में, मैं हमेशा XYZ करता हूँ ना, पकड़े जाओगे किसी दिन लोग पकड़ के कूट देंगे। अभी जो आप बोले हो ना, यहीं पे 2-3 बंदा बैठा होगा उसी कोचिंग का, वो जाके फिर बोलेगा कि देखो अनअकैडमी में वीरेंद्र सिंह की क्लास में आपकी बुराई हो रही, जबकि मैंने कोई बुराई नहीं करी डायरेक्टली, ठीक है ना, बट फिर भी वो मेरे को बदनाम करेगा कि देखो ये कर रहा था, कभी बंदा नाम ले रहा है जो होता है, लेकिन क्या होता है, ठीक है। सबका अपना फितरत है, अपना बताने का तरीका है, तो इस लहर से थोड़ा बच के रहना, बाकी तो ठीक है। पढ़ लिख लो, अगले एग्जाम की तैयारी करो, और जितना जल्दी इस टेंशन से उबर जाओ उतना बढ़िया। एक तो कुछ आज कॉल पे कॉल ही आएंगे, मैसेज तो आ ही रहे हैं, उससे कॉल आएंगे कि मैं सेकंड ना।
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बोलना पड़ेगा बहुत सारा, पर ठीक है। अरे ठीक है, जिनका क्रिक हो गया है वो तो व्हाट्सएप ने क्रिक किया था, इन्होंने क्रिक नहीं, इन्होंने क्रैक किया है, और हमें मोटिवेट कर लो भाई, कर लो मोटिवेट। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो कुछ है मतलब ही नहीं रखता। कांग्रेट्स दोज हु क्रैक, गॉड ब्लेस यू, मूव ऑन। सी इतने मोटिवेटेड लोग बैठे पड़े हैं, मोटिवेटेड। इतना वेट बढ़ाओगे, जितना वेट बढ़ाओगे उतना मोटे होगे, है ना। जितना वेट बढ़ाओ उतना ही मोटे होगे। व्हेन योर वेट इज इंक्रीज यू विल बी मोटिवेट हो जाओगे आप, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मोटिवेट मत होना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे तो मुझे समझ में नहीं आता ना, ठीक है देखो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। आप सोच रहे हो कि इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, इसे नहीं पता हम कितने दुख दर्द फील कर रहे हैं, इसे क्या पता कि हमें कितना बुरा लग रहा है मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, इसे क्या पता इसको तो इमोशन ही नहीं है, ये तो उधर बैठा हुआ, इसका थोड़ी क्वालिफाई नहीं हुआ, जब इसका नहीं हुआ होता तो इसे पता चलता कि इसका नहीं हुआ, ठीक है। आपके मन में ऐसा सवाल उठ सकता है कि ये तो हंस रहे हैं, चिलैक्स हैं जिंदगी में, इन्हें हमारी प्रॉब्लम्स हमारी जख्मों का हमारे दुख और दर्द का अंदाजा नहीं है। भाई अंदाजा लगा लूंगा भी तो क्या कर लोगे ये बताओ। चलो मैं आपके साथ बैठ के रो भी लिया, उससे क्या बदल जाएगा जिंदगी में, क्या उखाड़ लोगे अगर मैं बैठ के आपके साथ रो भी लेता हूँ कि चलो आपके दुख में शामिल होकर ले आते हैं बैठते हैं, क्या होगा, कुछ बदल जाएगा, कुछ भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आप एक दिन रो लो चाहे 10 दिन रो लो, नहीं बदलेगा। थोड़ा अच्छा लगेगा सर, नो। कभी ये मत समझना कि आप, ये बहुत इल्यूजन है ब्रो, दुख बांटने से बढ़ता नहीं है, दुख बांटने से टेंशन बढ़ती है, ठीक है ना। रोना वीकनेस नहीं बोल सकता मैं, इट इज नॉट वीकनेस, इट्स जस्ट इमोशंस, बट इमोशंस को निकाल दो, ठीक है ना। इट्स समथिंग दैट एक बहुत जगह पे आपने वो पढ़ा होगा, एक एग्जांपल की अगर एक बॉटल पानी का वेट पूछा जाता है, प्रोफेसर पूछेगा फिर बोलेगा, तो उसके लोग बोलेंगे एक लिए एक लीटर, एक बोलेगा आधा लीटर है, फिर वो बताएगा कि इसको कितनी देर होल्ड करेंगे, जितना होल्ड करेंगे उतना ही इसका जो है इंपैक्ट हमारे हाथ पे पड़ेगा, थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा, फिर पैरालाइज हो जाएगा। ये आपने स्टोरी पढ़ी कहीं पे, कहीं पे देखिए वीडियोज के फॉर्म में देखा होगा। तो दैट एक्जैक्टली विद द ब्रेन, ठीक है ना। हमारे ब्रेन पे जो रोना धोना या जो स्ट्रेस या जो भी फेलियर का वेट लेके घूमोगे ना, एक दिन लेके घूमोगे चलेगा, 2-3 दिन लोगे तो दिमाग भन्ना जाएगा, और 10-15 दिन लोगे ना तो डिप्रेशन में जाने की कैटेगरी में आ जाओगे। तो हम कितना जल्दी लेट इट गो करते हैं वही मैटर करता है। इट हर्ट्स, दुखी हैं लेकिन कब तक, सवाल ये आता है। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हम, वो होगा, इंसान है हम, फेलियर है भाई, होगा दर्द थोड़ी, बिल्कुल होगा, बहुत बुरा लगता है, नहीं रोक सकते हम खुद को इस फील करने से, सोचने से लगेगा बुरा ऐसा, और खासकर तब बुरा ज्यादा लगता है जब अपने ही दोस्त निकल जाते हैं और अपना नहीं हो पाता, ऐसा लगता है अरे यार, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है जहां पे हम खुद को एकदम होपलेस की तरह फील कर रहे होते हैं, होपलेस की तरह एकदम, ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नाउ बहुत मुश्किल लग रहा है, अब शायद मेरे से ना हो पाए। बट डज इट मैटर, मतलब आपका हुआ नहीं या हुआ, मान लेते चलो आपके दोस्त का हो गया, है ना, आप किसी ने मेरे को मैसेज किया, मान लेते कि हाँ मेरे जो है 10 दोस्तों का हो गया, 5 दोस्तों का नहीं हुआ, या मेरा नहीं हुआ बाकी लोगों का हो गया, ये हमें सिर्फ इस वक्त लग रहा होता है। आपको लिटरली डेटा बताऊं तो आपके जैसे फीलिंग में 60,000 लोग है ना जिन्होंने अपीयर हुआ था, इसमें से हार्डली जो लिस्ट बनी है वो 1,500 के आसपास की बनी है, 1.5 से 2,000 की, मैं काउंट नहीं किया हूं, इतनी लिस्ट बनती है जनरली। अगर देखा जाए तो आपके जैसे फील करने वाले 58,000 लोग आपके जैसे, आप दुनिया में खुद को अकेले आप फील करेंगे कि सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही 58,000 और लोग हैं जिनका नहीं हुआ है और वो भी आपके जैसा फील कर रहे हैं, और हो सकता है आपका 5 नंबर से रुका हो, किसी किसी का तो 0.5 नंबर से भी रुका होगा, उसको कितना दुख हो रहा होगा यार, एक नेगेटिव क्वेश्चन अगर नहीं करता तो मैं उस पार निकल जाता। और पता है हमारे इंडिया में हमारे लोगों में हमें आंटियों का कैरेक्टर हमारे अंदर खूब वो करके भर दिया गया, एकदम फूक फूक के आंटियों का कैरेक्टर, मतलब आई मीन टू से दैट कि जैसे अभी एक न्यूज मैंने जो कल बात करी थी जिस न्यूज पे कि आपको अपने अवेयरनेस के ऊपर बात मतलब रहना चाहिए, वो जो केस था सद्दा अफ्ताब वाला, बट अब हमारे यहाँ ये न्यूज चैनल्स मीडिया सरकार हो जाने के बाद बवाल काटती है, कोई ना हो इसके लिए कोई अवेयर नहीं, अभी भी देखोगे तो पूरा मीडिया 15-20 दिनों तक उसी केस के ऊपर लगा, पूरा न्यूज चैनल पूरा पेपर हर जगह वही एक चीज चलेगी, कोई ये बात नहीं, जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते ना भाई, तुम नहीं ला सकते श्रद्धा को, लेकिन न जाने कितनी श्रद्धा बन रही है उनके बारे में, उनको अवेयर नहीं किया जा रहा, उनकी सिक्योरिटी पे कोई काम नहीं किया जा रहा, तुम जो हो चुका उसको लेकर रो रहे हो, उसको उसमें जबरदस्ती का जो है कर, क्योंकि टीआरपी यहां से नहीं आगे बेटा, यहां से कोई नहीं पूछने वाला, टीआरपी यहां से आती है, ये तो मीडिया का केस है, बट हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी होती है, हम हमेशा जो है आगे के बारे में नहीं सोचते, जो हो चुका होता है उसके बारे में बहुत अफसोस कर रहे होते हैं, काश वो कर लिया होता, काश वो उसके साथ नहीं गई होती, काश वो नहीं होती, ये काश से कुछ नहीं बदलने वाला। आपके इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना, चाहे कितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस ऑफ फेलियर, बट ये इतना समझा सकते हो खुद को कि क्या ये ऐसे रहने से ये वर्थफुल है, क्या ये जो मैं इस इमोशंस में हूं क्या एक्चुअली इससे मेरा आगे का फ्यूचर बन जाएगा, जैसे इसके इनके चिल्लाने से आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे, न जाने डेली इंडिया में जाने कितने रेप्स होते हैं, कितने मर्डर्स होते हैं, उनके बारे में कोई डेटा नहीं, कोई वो चीज़ें नहीं है, कोई बात नहीं करेगा, एक केस को पकड़ लिया बस, मिल गई टीआरपी, हो गया वायरल, बस चलो उसी पे लगे पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसे फ्यूचर में कुछ नहीं बदलता है, लोग वैसे ही रहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी वैसी रहती है, और कल को अगर उसी पर्टिकुलरली जो बंदा है अगर वो कल को जेल में जाकर मस्त बैठ के पूरी रोटी, मैंने आपको जेल का किस्सा बताया था, 5-star होटल से कम नहीं है, बैठ के खाना मिलता है मस्त, अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए आराम से, कोई क्राइम करो पाओ जाओ 2.5 साल जेल में, कोई मेहनत नहीं बैठ के खाना खाओगे, अगर उसकी जिंदगी अगर हो गई तो 4 और क्रिमिनल सोचेंगे क्या दिक्कत, क्या कुछ किया तो है नहीं, ना तुमने फांसी की सजा दी, ना तुमने उसको जो है मुंह में कह दिया, 2-4 साल में छूट गया, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ का लॉ इतना लोकल है, इतना मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसी वजह से लोग क्राइम करने से पहले सोचते तक नहीं, अगर यहीं पर उसको सीधे जो है मर्डर उसको फांसी की सजा दे दी जाए, जिसने भी अगर वो दोषी साबित होता है तो कल को कोई डरेगा भी, लेकिन नहीं है, और इससे फ्यूचर बदलेगा, लेकिन नहीं है। अब इसी चीज को अपनी लाइफ से रिलेट करो, आपके अंदर डर नहीं है ना,
क्यों? क्योंकि पता है कुछ नहीं होना, बस वहीं धोएंगे और फिर अगली बार वही गलती करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ थ्रेटनिंग का डर नहीं है ना माइंड में, ये समझ में नहीं आ रहा। अब अभी 10 दिनों तक रहोगे, 5 दिनों तक दोस्तों से बातें करके, 5 दिन तक इंटरव्यू देख देख के, और 10-15 दिन कई लोग महीना भर जाके सही मूड में आएंगे, और जो सही मूड में आते आते ना जिंदगी जो होते एक महीने पीछे चले जा रहे होते। आप उस इंसान से एक महीना पीछे चले जाओगे जिसने कल से पढ़ाई वापस शुरू कर दियो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कई सारे जो है रिपीटर्स है और कई सारे फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एग्जाम दिया ही नहीं था, तो ये इमोशंस उसके पास आए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 30-30 दिन तक प्रॉपर तैयारी करेगा, और जितने रिपीटर्स जिन्होंने एग्जाम दिया था वो यहाँ पे रोएंगे बैठ के। जब रोएगा बैठ के तो ये 30 दिन पीछे हो जाएगा ना, फिर अगले एग्जाम में ये आपसे बेटर था तो ये ज्यादा स्किल्ड होगा, क्वालिफाई करने के चांसेस इसके हायर होंगे, और इसी वजह से हमेशा फ्रेशर्स का सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होता है रेदर द रिपीटर्स। एक रिपीटर बार बार जो है बार बार क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बार बार क्यों जो है वो नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रेशर्स के पास रोने के लिए कुछ नहीं होता और रिपीटर्स के पास रोने के लिए कुछ सब कुछ होता है। वो हर चीज़ पे लेकर इमोशन से जुड़ता रहेगा, सिंपथाइज करता रहेगा। जैसे अभी कोई बोला 3 साल से रिपीट कर रहा हूं मैं, कभी ये सोचा नहीं कि 3 साल से क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी क्या गलती हो गई कि 3 साल से रिपीट करना पड़ रहा है। और कई लोगों से जब मैं बोलता हूं तो वो बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं हमारी स्किल्स, हमने गलती कहां करी, तो भाई कौन बताएगा तुम्हारी गलती, कौन बताएगा? मैं कोई एजुकेटर कभी नहीं बताएगा कोई गलती यार, ये तुमको बताना पड़ेगा। देखो हम दिमाग की बात कर रहे हैं और उस दिमाग की बात जहां तक अभी तक कोई इंजीनियर या मशीन नहीं बना पाया कि हम सोचते कैसे और कितना सोचते हैं, लेवल ऑफ थिंकिंग किसकी कितनी है, ठीक है ना। तो मैं उस दिमाग, देखो शरीर का बाकी हिस्सा की तरह नहीं है कि भैया जाओ ये टेस्ट करा लो पता चल जाए डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर को आप बताते हो, डॉक्टर आपके शरीर में ऐसा नहीं, आप जाओ डॉक्टर के पास खड़े हो जाओ ये बोलो मेरे को प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कुछ आप बताओ मेरे शरीर में कहां प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर बता सकता है? आप जाओ बस बता दो कि मेरे शरीर में दिक्कत है, बताओ कहां दिक्कत है, डॉक्टर पगला जाएगा, बता नहीं सकता कैसे, या तो टेस्ट कराया पूरी बॉडी का एक एक करके और फिर उसके थ्रू पता करे, लेकिन उस टेस्ट में भी दिमाग का टेस्ट, जैसे कि अगर हम जिस लेवल की बात करें तो थॉट्स के लेवल पे तो वो टेस्ट भी नहीं आते जो करके पता कर सके, तो टीचर कैसे पता करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को? शरीर के अंदर दिख नहीं रहा, दिमाग के अंदर वाला कैसे दिखेगा? और इसी वजह से ये सिर्फ आपको पता होता है कि मेरे पेट में दर्द है, कि मेरे हाथ में दर्द है, कि मेरे यहाँ दर्द है। जब आप वहाँ पे जाओगे उसको एक लोकेशन और एक सिम्टम्स बताते हो तब उसके लिए उपचार बताता है, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करता है जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उसे इन्फॉर्म करते हो तो। एंड ये प्रॉब्लम आपने खुद आइडेंटिफाई किया ना कि मेरे को दर्द कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है, दैट एक्जैक्टली इन अ लाइफ जब हम फेल होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक टीचर जरूर कर सकता है, लेकिन जब टीचर को बताओगे कि वेयर आई वाज रॉन्ग, अभी सब रोएगा, कोई मिस्टेक इंप्रूव नहीं करेगा। कितनी बार चिल्ला चुका हूं मैं कि भाई साहब जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, नहीं आपके 3 साल छोड़ो 10-10 साल सीएसआई तैयारी करो नहीं निकलेगा किसी का भी हो। अगर फेल हो रहा है वो कंसिस्टेंट एक बार दो बार तीन बार ना, और इफ यू रियली वांट टू चेंज इन योर रिजल्ट यू हैव टू चेंज योर मिस्टेक्स, इफ यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। ऐसी क्या गलती हो रही है कि बार बार ऐसा हो रहा है? या तो ये हो सकता है कि आपको आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा लो, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाता है भाई, एक्सरसाइज की जाती है, ब्रेन एक्सरसाइजेस, गेम्स खेल के, सुडोकू खेल के, वो सारे जो होते हैं वो गेम्स खेलो, चेस खेलो, आईक्यू बढ़ाओ, अपने आप बढ़ेगा आईक्यू। कई सारे गेम्स आते हैं जिनको आप खेलोगे तो आईक्यू बढ़ते हैं, आईक्यू के गेम्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग ही कमजोर है, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता, मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब अगर जिनको ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूँ माइंड से, मेरे साथ वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है वो जल्दी समझ लेते, तो आप अपने दिमाग के आईक्यू लेवल पर काम कर सकते, उसके लिए कई सारे गेम्स और अलग अलग चीजें सारा कर सकते, बट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स गाइस, ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे बदलेगा भी नहीं रिजल्ट, और दुखी होकर चीजें करके कुछ नहीं बदलने वाला, मैं आपको बता दूं। आप फॉलो कंट्रोल मत करो, लेकिन जिस दिन आपको रिलाइज होगा कि दिस सैडनेस जो आप फील कर रहे हो, इस सैडनेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स, नो वन केयर्स, एनओसी, नो वन केयर्स व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपको पर्सन, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको फील क्या हो रहा है। और इस फीलिंग को बैठ के आप चाहे जितने बैठे रहो, बार बार जख्म को कुरेद के जख्म ठीक नहीं होते, जस्ट हो गया, एक्सेप्ट इट, यस मैं फेल हो गया, तो क्या अगली बार करेंगे? अगर ये एटीट्यूड है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको ज्यादा बुरा लगता है, हमेशा लोगों को बुरा बस इसी वजह से ज्यादा लगता है जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि हमारा नेचर है कि हम जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बचपन से ही नेचर होता है। अगर आपने एक्सेप्ट किया कि यस आई डिड अ मिस्टेक एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड, एक्सेप्ट करो एंड मूव, जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, तभी आप यहां से निकल पाओगे, चलो ठीक है वो भी गलती हो गई, अब चलो आगे बढ़ते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं, यहां से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पिछले 2-3 क्लासों से बार बार मैं पिछले कल भी कई सारी चीजें समझाया, आज भी समझा रहा हूं, और आज जरूरी पड़ गया, नहीं तो वैसे मूड में नहीं था मैं कुछ बोलने के, लेकिन अब सर बुरा लग रहा है, कैसे बताएं मेरे दिल का दर्द हाल, कैसे सुनाएं क्या हुआ है मेरा बुरा हाल, बट ठीक है इनसे मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो वही गलती, अब अगली बार अगर लगना है तो लगना है, छोड़ देना है तो छोड़ देना है, दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए कि आधे मन से लगना है, मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा आधे मन से कि चलो देखेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, लगेंगे तो एकदम जी जान लगा के लगेंगे, एकदम दिन रात एक कर देंगे जो गलती, एकदम अगर यूनिट मान लो 30 नहीं आती थी तो इस बार ऐसा बोल के पी जाएंगे कि यूनिट 30 हो जाए, जो चीज मेरे को न्यूमेरिकल से डर लगता था इस बार न्यूमेरिकल के फॉर्मूले एकदम रट डालेंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तब जाके कर पाओगे थोड़ी कि हाँ बस चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलते थे और सब हो भी जाएगा और बदल भी जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट तो आप कभी बदल ही नहीं सकते, फ्यूचर बदलने की जो चाबी होती है वो आपकी इसी प्रेजेंट में होती है, अगर आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, तब आपका फ्यूचर अपने आप बदलता हुआ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो वही प्रेजेंट आप रोज कर रहे हो, ठीक है ना, जो आपने कल किया वही आज कर रहे हो, तो जैसा कल का रिजल्ट होगा वैसे आज का होगा, फिर जैसा आज कर रहे हो वैसे कल का रिजल्ट होगा, जैसे कल करोगे वैसे परसों का होगा, जैसे परसों करोगे उसके आगे, ऐसे ऐसे हमेशा फ्यूचर का रिजल्ट इसके पहले वाले दिन पर डिपेंड करेगा। अब पहला वाले दिन मतलब जो हमारा प्रेजेंट, आज जो करोगे यही आपका कल फ्यूचर है, आज क्या करते हो वो डिसाइड कर लो बस, ऐसा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बैठ करना है, और उन्हीं के लिए तो मेरे को बता देना, ग्लिसरीन में भेज दूंगा सभी के लिए, ठीक है ना, आंसू तो निकलेंगे नहीं बट फिर भी मैं भेज दूंगा, क्योंकि आंसू तो सूख गए होंगे, फिर भी पलकों पे बादल तो छाए होंगे, है ना। सर अच्छा नहीं लग रहा है, अरे इतना देर बोला अभी भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, अब क्या करूं मैं, पा की तरह बन के दिखाऊं, टें 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 अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्या होता है भाई, सर आपके पास ग्लिसरीन है, लैब में मिल जाता है ग्लिसरीन भाई,
सर कल में, अरे तो बर्थडे बीत गया ब्रो, आज रिजल्ट आया है, ये तो अलग बत्ती की दुखी है। बर्थडे के लिए अगर दुखी मना रहे हो तो मत दुखी हो ब्रो, चिलेक्स सर, विश कर दीजिए। कल था तो ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई साहब, एंजॉय करिए, ये अलग लेवल के दुखी पे चल रहा है। कल मेरा बर्थडे था तो अरे सर, कीप मोटिवेटिंग अस, आई कांट मोटिवेट यू, आई कांट मोटिवेट यू, आई कैन बी विद यू, आई कैन टेल यू समथिंग, आई कैन लाइक आई कैन टेल यू स्टोरीज, आई कैन टेल यू द रियल थिंग्स, रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, बट आई कांट मोटिवेट यू। मैं माचिस हूँ और आप, माचिस के पास एक ही प्रॉपर्टी है, खुद मैं आग लगा लिया। अगर आप पत्थर हैं तो आप कभी भी मेरे से जल नहीं सकते, अगर आप लकड़ी हैं तो डेफिनेटली जल जाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए। मेरा नेचर सेफ के लिए सेम है, इफ यू आर अ स्टोन मैं कैसे मैं ट्वीट करूंगा भाई, आपके पास अंदर से वो आग निकलने वाली प्रॉपर्टी होगी, तभी तो मैं आपके अंदर से निकाल पाऊंगा, जब नहीं होगा तो मैं चाहे कितना भी जल के राखो नहीं होने वाला। जिस दिन अंदर से लगे कि नहीं आग है मेरे अंदर, तब आना मेरे पास, नहीं तो बैठ के कोने में रोते रहो, दो चार दिन रो लो, फिर लगेगा बहुत समय वेस्ट कर लिया, तब फिर वापस आना, लगेगा लगेगा, थोड़ा समय होता है पर लगेगा। जी बिल्कुल, जब तक खुद से मोटिवेशन नहीं आता तब से तब तक कोई भी नहीं कर सकता। और दुख युख की मत फील करो यार क्लास में, इससे ज्यादा कितना समझाऊं मैं, बहुत समझा दिया सर। पत्थर से भी आग निकाल सकते हो आप, लेकिन फिर एक पत्थर को पकड़ के दूसरे पत्थर के ऊपर टकराना पड़ेगा, तो सर टूटेगा तो मैं नहीं जानता ना, गिव मी सेकंड प्लीज। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। अरे यार सर रिवीजन बताइए कैसे करें, हमने यूट्यूब पे रिवीजन और रिकॉलिंग का भी सेशन दिया था, आप जाके प्लीज उसको देखिए, ठीक है उसको देखिए, आपके लोगों के लिए लिया गया है, और वापस आ जाइए, फोड़ने होने का जो भी मन है जैसे भी मन है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग में से ये कर, सबको रोने का मन है, कोई एक भी जो है ये नहीं करा सर फोड़ेगा अपन, ठीक है ना, सब रोने के लिए ग्लिसरीन चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का कोई किसी का एटीट्यूड नहीं है। मैंने एक दिन एक चीज़ पे बोला था कि आपको एक जवाही जवाबदेही देने वाला पर्सन होता है तो सर हम परफॉर्म अच्छा करते हैं। बचपन में हमें हर चीज़ को दिखाना पड़ता था टीचर को कि देखो हमने होमवर्क किया है या नहीं किया, तो हमें एक टेंशन होती थी कि पढ़ना है। अभी आपके पास कोई जवाबदेही करने वाला कोई पर्सन नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि आप मुझे बता भी सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप मेरे को आके बताओ कि मेरा ये टारगेट था, मैंने ये फिनिश किया। एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरे को व्हाट्सएप या जिसने मेरे को टेलीग्राम या जिसने क्लास में भी ये बताया कि सर दिस वॉज माई टारगेट, मैंने एक वीक का इतना टारगेट रखा था, इतना मैंने अचीव किया, ये मेरे से मिस्टेक हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया। और सबको रिजल्ट चाहिए खाली, बैठे बैठे कम यहाँ जो है सुधारनी नहीं है, सिर्फ बैठ कर रोना है ब्रो, कभी नहीं होगा। कितने लोगों ने बताया बताओ, आपने कभी मेरे को जवाब दे दी, एक टारगेट फिक्स किया कि हाँ चलो बताते हैं कि ये चीज़ हुई है, ये मैंने इस चीज़ के लिए भी रेडी था कि आप मुझे बता दो, मैं चलो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहूँगा लेकिन जब अवेलेबल होगा उस हिसाब से मैं उसको करूँगा, लेकिन नहीं किया और चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कई लोग तैयारी करेंगे, कई लोग क्वालिफाई करेंगे और कई लोग फिर भी रह जाएंगे, ठीक है, बट मेहनत करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करें, ठीक है। रोना धोना बंद, बैच 2.0 स्टार्ट हुआ है, उससे रिवीजन कर सकते हैं, वो बैचेस डिटेल्ड कोर्सेज हैं, रिवीजन आप उनसे करिए जिनसे आप पढ़े हुए हैं। फिर भी रह जाएंगे तो इसी से तो डर लगता है, वाह रे मोटी, वाह रे बेटा वाह, आपके नाम में जो है मीका का नाम मस्त रखा गया, श्रावण में लोग को योग ऐसे वाला ना, वही वाला है। सही एकदम परफेक्ट रखा गया, ये वही लोग होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके स्कूल के एडमिशन की टेंशन लेकर बैठे रहते हैं। वो रिजल्ट आने ही मत दो यार, किसके हाथ में है वो बदलना, आप ही के तो हाथ में है। जिस दिन समझ में आएगा कि वो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, डिसीजंस कभी सही और गलत नहीं होते, डिसीजन को सही और गलत हम प्रूव करते हैं। अगर अभी चाहोगे तो कोई मेहनत करके उस डिसीजन को सही प्रूव करेगा कि मैं CSIR क्रैक कर लिया, और कोई नहीं कर पाएगा, और वो इस वजह से क्योंकि एक ऐसे प्रॉब्लम की वजह से वो टेंशन में था जो कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी, जो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ना होना तो आपने जबरदस्ती अपने जानबूझ के अपने आपको सिंपथाइज करने के लिए अपना फ्यूचर प्लान सेट कर रखा है, एक ऑटोमेटिक डर जिसको बोलते हैं, कहीं नहीं लिखा है, इतना फ्यूचर लोग जान लेता है भाई साहब, बाबा बन जाओ, सीएसआईआर मत करो, मेरा 6 महीने बाद होगा कि नहीं होगा इनको पता है, ले हो भी तो सकता है ना, कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचता है, हो भी तो सकता है ना, बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तो हो भी तो सकता है, डोंट बी नेगेटिव, इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एंड यू विल गेट नेगेटिव, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव जिंदगी में मिलेगा, इफ यू थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे और पॉजिटिव चीजें होंगी, कम से कम कुछ नहीं तो सोच को बेहतर रखो क्योंकि वो आपके हाथ में है, कम से कम कुछ नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आपके हाथ में होते, परिणाम कभी आपके हाथ में होता, एफर्ट्स आपके हाथ में होते और एफर्ट्स आपकी सोच से शुरुआत होते हैं, और वो सोच जब तक आपका ऐसा लुल होगा हमेशा लुल तरीके से जिंदगी आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। मैंने ऐसे कई क्वालिफाइड लर्नर्स को देखा है जिन्होंने पार्ट ए से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया हुआ, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पार्ट ए से कभी छुआ भी नहीं है,
देखिए आपके सामने रोशनी बोले मैंने भी नहीं किया, फिर भी सी इज क्वालिफाइड। तो ये भी एक ये जबरदस्ती खुद को ये पता है सिंपथाइज करते हैं, पार्ट ए का क्या करें, नहीं आता मत करो यार, जो आता है वो करके जाओ अच्छे से, लेकिन नहीं हमें जो नहीं आता उसके लिए करेंगे। भाई साहब आप लोगों का एटीट्यूड एकदम बढ़िया है, यही एटीट्यूड चाहिए होता है सीएसआर क्वालिफाई करने के लिए, एक्जैक्टली यही एटीट्यूड। 30-35 मिनट 40 मिनट हो गए समझाते समझाते, लेकिन दुखड़ा जिंदगी का कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है सर, हमें पार्ट सी में 25 कैसे नहीं ढूंढे, अरे वो सब छोड़ दो पहले पढ़ो, ढूंढना ना ढूंढने का काम तो मैं खुद ही बताता हूँ, एग्जामिनेशन टाइम से पहले खुद ही सेशंस लेता हूँ। आपका काम है अभी सिर्फ अपने आपके स्किल्स पे काम करना, अगर आपका सिर्फ एक फोकस यहाँ से होगा, ओनली वन फोकस, ओनली वन मिशन कि मेरा फोकस सिर्फ इस स्किल को इंप्रूव करना है पीएसएस को, एंड अल्टीमेटली दैट आपका काम बन जाएगा। ठीक है बाकी की स्ट्रेटजी जनाल तो बता दीजिएगा, आपको बस इस पर फोकस करना। सर गेट के लिए बताइए सर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं ठाकुर, मैं सोले का जो है धर्मेंद्र हूँ, मैं गेट के बारे में नहीं बोल सकता। सर ये दो लाइन जो हमेशा मोटिवेट करती हैं जब भी कुछ अच्छा नहीं लगता, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा जो वो आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छी लाइन है। ठीक है चलो चलो चलो, टेंशन नहीं लेने का, वापस आ जाने का, हो गया बहुत रो लिया बस, ठीक है अब मत रो यार, नहीं तो मैं रो दूंगा। ठीक है ना, मेरे को बुरा लग रहा है कि यार कैसे बच्चे हैं यार, पीएसएस के ऊपर मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, यूट्यूब पे मैं ले रहा हूँ, आप देखिए मेरी यूट्यूब की स्ट्रेटजी सेशंस मिस मत किया करें, देखते रहिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब बाकी को बोल दो कल बात करें ना, मैं नहीं चाहता कि मैं ग्लिसरीन यूज करूँ, ठीक है ना, आप लोग समझिए, वापस आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी पे, है मेरे पास ग्लिसरीन पड़ा हुआ इधर ही बगल में, चाहिए क्या, ये आप ले सकते हैं ना। कुछ रंग तुम्हारे हैं कुछ हसीन नजारे हमारा होगा, कहते हैं कुछ रंग तुम्हारे कुछ हसीन नजारों का गुलस्ता हमारा होगा, आज वक्त तुम्हारा कल जहां हमारा होगा, और कभी कभी हम हिम्मत से हार तो जाते हैं, कभी कभी हम हिम्मत से हार तो जाते हैं, माना कि आसमां तुम्हारा है फिर भी क्या करोगे, जमीन तो हमारा होगा। ठीक है सो हमेशा जो है उसी पे खुश रहो, बाकी टेंशन मत लो, माइक्रोस्कोपी अब शुरू करने जा रहा हूं मैं, अब कोई टेंशन की बातें नहीं करेगा और कोई नेगेटिव नेगेटिव एनर्जीज वाली बातें नहीं करेगा, अगर मन में दुख है तो रहने दो उसको, बोलो ऑल इज वेल ऑल इज वेल, क्योंकि सामने वीरेंद्र सिंह अगर दुख वाली बात किया तो वो दुख को कैसे तोड़ देंगे, उसके साथ साथ किडनी भी टूट जाएगी, इसलिए वो मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कल को ये ना बोलते हुए पाएगा अरे हमसे गलती होगी जवान टूट गई मुंह से निकल गया माफ कर दिया, ऐसा नहीं, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए वो कहाँ गायब हो गया, पढ़ाई पे लग जाना चाहिए, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस करना है। ठीक है दुख हो गया ऑयल लेने भेज दीजिएगा उसको, हाँ बिल्कुल वही जो चतुरामा लिंगा वाला है, दुख होता सभी के पास है, सभी छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं है, वही वाला हाल में दिखाना नहीं है ना, वो दूसरी बात करता था, मैं यहाँ दुख की बात कर रहा हूँ, दिखाना नहीं होता, फिर वही हालत होगा, इसने अपना दुख इस चमत्कारी पुरुष के हाथों में दे दिया है, देखिए ये किस इसका कैसे इस्तेमाल करता है, तो मैं तो जानता किडनी तोड़ दूंगा, माइक्रोस्कोपी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो है यूज किया जाता है। पढ़ाने जा रहा हूं मैं, कम बैक टू द टॉपिक, क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, एंड टू ऑब्जर्व दोज ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि कई सारी चीजों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना, और किसी किसी लोगों को तो आंखें फाड़ के भी देखते हैं, इतने अच्छे दिख रहे होते हैं वो लोग, बट कई ऐसे होते हैं कि चाह के भी हम उन्हें देख नहीं पाते, वो है माइक्रोब्स, इसके लिए इनको हम जो देखो पता है लोग कहते हैं कि हमें जो है शाहरुख खान पसंद है, ऋतिक रोशन पसंद है, कई लोग जो है पता नहीं कोई लड़का नया लड़का अकेडमी पे वीरेंद्र सिंह के नाम से, कि लोग बोलते हैं कि वो भी अच्छा लगता है जिस दिन थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक होकर आता है, बट मैं ठीक होकर आता नहीं हूँ, ठीक है लेकिन ये सब पसंद नहीं, पसंद तो बैक्टीरिया है, सोचो हम उनको देखने के लिए, उनको देखने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर डाला है, इतना प्यार है हमें अपने बैक्टीरिया से कि तुम कित कैसे हो तुम, उनको देखने के लिए हमने क्या क्या फंगस बैक्टीरिया छोटे छोटे सेल्स उनसे इतना मोहब्बत होता है कि उनको देखने के लिए हमने इतना महंगा मशीन देखना जरूरी है, क्या कर क्या रहे हो, कैसे मूवमेंट है तुम्हारे अंदर, क्या तुम दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या क्या तुम्हारे पास फ्लैजला है, क्या तुम्हारा सेप रॉड सेप्ट है, कि कैसे तुम्हारे तुम जो है दिखते कैसे हो, इतना प्यार है माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप इस तरीके से आपने देखा होगा, कई इस एक साइड व्यू भी कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के लेंसेज होते हैं, किसी एक छोटे ऑर्गेनिजम्स को कितनी गुना जो है मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हम उसको क्या 4x एम्प्लीफाई करें, 10x एम्प्लीफाई करें, 40x एम्प्लीफाई करें, या 100x एम्प्लीफाई करें, ये अलग अलग एम्प्लीफिकेशंस होते हैं, x का मतलब उतने गुना, कोई एक छोटी चीज चार गुना बड़ा मतलब 4 टाइम्स लार्जर दिखाया जा रहा है, 4x का मतलब 4 टाइम्स लार्जर, या तो वो 10 टाइम्स लार्जर होगा, या तो वो 40 टाइम्स लार्जर होगा, या तो वो 100 टाइम्स लार्जर हो, इतनी इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि हमें दिख रहा है आसानी से, उसके बारे में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बेसिक यहाँ पे एक स्टेजेस होते हैं, यहाँ से स्लाइड पास होती है कुछ इस तरीके से, एक आपका कंडेंसर लेंस होता है जो लाइट को कंडेंस करके कहाँ पे सैंपल पे, यहाँ पे सैंपल स्टेज है जिसमें सैंपल हम ऐसे स्लाइड जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर सैंपल स्टेज, देखिए यहाँ से लाइट सोर्स निकला है, ये कंडेंसर लेंस है,
दिस इज योर कंडेंसर लेंस, ये लाइट सोर्स से लाइट ऐसे निकलेगा कंडेंसर लेंस के अंदर से होते हुए जो है ये लाइट देखिए यहां पे पड़ रही है सैंपल पे, और ये सैंपल से लाइट इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हम आंखों से या इस लेंस को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है ताकि आप डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सके। सो अल्टीमेटली यहां पे आपके पास लाइट सोर्स, एक लाइट सोर्स होगा जो लाइट को जनरेट करेगा। इसके बाद एक है, दिस इज अ सैंपल स्टेज जहां पे एक्चुअली सैंपल स्टेज को रखा जाता है। यहां पे ये है कंडेंसर लेंस जो कंडेंस नाम से पता चला कंडेंस करेगा लाइट को इस सैंपल के लिए। कंडेंसर लेंस करता क्या, कंडेंस करता है लाइट को, लाइट जितना ज्यादा दिख रहा है इसका डायमीटर इतना ज्यादा है, इस लाइट को कंडेंस करता है ताकि सैंपल पे पिन पॉइंट तरीके से पड़े। फोर्स जो है, जो एनर्जी है, जो ढेर सारी लाइट है, ढेर सारी वेवलेंथ की लाइट है, वो सभी प्रॉपर्ली जो है सैंपल से इंपैक्ट करे, बाहर से लॉस ना हो जाए, इसलिए कंडेंस करना जरूरी है। इसलिए ये लाइट एक्चुअली ऐसे एंगल से आता है लाइक दिस, कंडेंसर की मदद से। इसके बाद सैंपल स्टेजेस पे हम सैंपल कोट करने के लिए यूज करते हैं ग्लास स्लाइड्स विद कवर स्लिप्स। सो ये जो है आपके लिए ग्लास स्लाइड्स, कभी कभी जो है कवर स्लिप्स का यूज करते हैं, कभी कभी ऑयल इमल्शंस का यूज करते हैं, दे मे बी देयर। एंड इसके बाद दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां से लाइट इस तरीके से पास करेगा ऐसे होते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ये पहुंचता है ऑक्यूलर लेंस के पास जहां से आंख लगा के देखते हैं, या उसी ऑक्यूलर लेंस से जो है वो पीसी से जुड़ा रहता है। सो दिस इज, यू कैन सी दैट द लाइट सोर्स, ये आपके लिए लाइट सोर्स, यहां पे जो है वो कंडेंसर, सैंपल स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, इसको अगर हम देखें तो वही चीज यहां पे कई सारे नॉब्स होते हैं एडजस्ट करने के लिए, स्पेसिमेन को फोकस करने के नॉब्स है, कंडेंसर को फोकस करने के नॉब्स है। यहां पे देखिए ये है फील्ड स्टॉप डायग्राम, डायफ्राम जहां से लाइट सोर्स निकला, ठीक है। अभी लाइट सोर्स निकलता है तो लाइट सोर्स यहां से पास अप करेगा, और पास करने के बाद ये पहुंचेगा कहां पे, ये पहुंचेगा आपके पास सैंपल से, सैंपल से टकरा के पहुंचा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस से पहुंचेगा ऑक्युलर लेंसेज के पास, या ऑक्युलर दैट इज आईपीस जहां पे एक्चुअली आंख लगा के आप देख रहे होते हैं, ठीक है ना। सो जो आपके पास इस तरीके से प्रॉपर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा लैब में परफॉर्म किया होगा, ठीक है, इस तरीके का काम आपने किया हुआ है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। हमारे पास कई तरीके के माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं, इट कुड बी आइदर मोनोक्युलर, बाइनोक्युलर और ट्राइनोक्युलर, जिसमें सिर्फ एक देखने वाला हो आपके लैब में, कोई भी एक हो सकता है अगर आपने कहीं पे अगर एमएससी जो है लैब में जाकर करी होगी तो, बाकी अगर फर्जी वाला होगा डिग्री तो बात अलग है। तो मोनोक्युलर जो होता है, मोनोक्युलर में मतलब एक ही है आईपीस, वन आईपीस, मोनो का मतलब एक, नॉक्युलर का मतलब आईपीस, वन आईपीस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, याद है कि आईपीस में भी ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे जाते हैं स्टेजेस पे यहाँ पे, और उसके साथ एक लेंस ऑक्युलर लेंसेज होते हैं, ऑक्युलर मतलब आईपीस के पास, तो एक्चुअली दो लेंसेज होते हैं, और दोनों लेंसेज मिलकर मैग्नीफिकेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ लेंसेज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एज वेल एज ऑक्युलर लेंसेज मिलकर मैग्नीफिकेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार आपने देखा कि बोला जाता है ये माइक्रोस्कोप 100 गुना जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाता है, 1000 गुना दिखा सकता है, वो 1000 गुना अकेले कोई लेंस नहीं करता है, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। लाइट वाइज की अगर टोटल मैग्नीफिकेशन अभी चर्चा करेंगे, यहाँ पे टोटल मैग्नीफिकेशन की बात होती है, टोटल का मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कितना है इनटू ऑक्युलर का कितना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर ये 4x है और ये अगर 10x है तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा 40x का, ठीक है ना। सो टोटल क्या जाएगा, दैट कुड बी 40x, ऐसे ही आपके कोई भी वैल्यूज रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट कुड बी द केस। ये मोनोक्युलर की चीज कहानी है, ऐसे ही बाइनोक्युलर्स भी है, बाइनोक्युलर्स और मोनोक्युलर्स में फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो देखने के लिए जो आईपीस है वो दो है, बाई मतलब टू, आईपीस। अब यहां से आप आराम से देख सकते हैं, मोनोक्युलर में देखने के लिए आपको एक आंख बंद करना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ता है, बाइनोक्युलर में आप दोनों से प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है ना, आपको आंख मारने की जरूरत नहीं होती है। मोनोक्युलर जो है थोड़ा सा शरारती वो बनाया किसी ने, क्योंकि उसको व्यक्ति से इतना प्यार था कि मैं आंख मार के देखूंगा, एक बंद करके खोल के, और ये कहता नहीं प्रॉपर टकाटक देखेंगे दोनों आंखों से। अब आते हैं, इतना ही नहीं, एक आता है ट्राइनोक्युलर्स, ट्राइनोक्युलर्स आर एडवांस्ड वन, जिसमें कि 3 आईपीस होते हैं, ये एडवांस्ड होते हैं, एडवांस्ड इसलिए एक्चुअली में दो लेंसेज तो देखने के लिए होते हैं जहां पे आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जबकि एक लेंस जो होता है ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स और पीसी, कनेक्टेड टू पीसी। तो ये थोड़े से एडवांस वर्जन वाली है कि जब मेरा मन करे तो मैं इसको पीसी पे भी देख लूं, और जब मन करे तो मैं आंखों से भी देख लूं, तो ये तीसरी आंख की तरह काम करता है, सबको सब दिख रहा होता है, ठीक है ना, इससे सब पीसी में दिख रहा होता है, आपको जरूरी नहीं आंख लगा के देखना आप इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है 3 तरीके के जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है, मोनोक्युलर्स, बाइनोक्युलर्स एंड ट्राइनोक्युलर्स, ठीक है। दीज माइक्रोस्कोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स को नेकेड आई नहीं देखा जा सकता, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, सो इनके लिए जो है माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप्स कम्स अंडर टू कैटेगरीज, लाइट माइक्रोस्कोप्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद है, जब भी हम किसी चीज को विजुलाइज करना चाहते हैं विद लेंसेज, हमें उस पर टॉर्च देने की जरूरत है, मतलब फोकस ऑफ लाइट शुड बी देयर, एंड अगर हम नॉर्मल लाइट दे रहे हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं। इसमें कई सारे माइक्रोस्कोप्स आप पढ़ते होंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप, है ना, ये सारे इस कंडीशन में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कम्स अंडर वेयर, यहाँ पे जो लाइट नहीं दिया जाता, यहाँ पे जैसा नेम से जैसे इलेक्ट्रॉन, तो फोकस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये दो ही तरीके के होते हैं, सेम एज वेल एज टेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द थर्ड कैटेगरी वी कैन इंट्रोड्यूस इन द माइक्रोस्कोपी, दैट इज लेजर माइक्रोस्कोप, लेजर माइक्रोस्कोप, जो इसमें मेंशन नहीं है बट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें कि लेजर एज अ लाइट सोर्स यूज किया जाता है, इन दैट वन लेजर यूज्ड एज अ माइक्रोस्कोप, द एग्जांपल ऑफ दिस इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। इन तीनों माइक्रोस्कोप में जो लाइट के सोर्सेज है वो अलग अलग है, एक में लाइट है तो एक में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक में लेजर है, और लेजर है तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन ये सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू रिप्रेजेंट किया। अब याद रहे कि जैसा कि मैंने माइक्रोस्कोप्स के ऊपर बात करी, दिस इज योर माइक्रोस्कोप, जिसमें से जनरल मैं कई बार इसको दिखा चुका हूँ, एक लाइट सोर्स है जहां से लाइट पास करेगा, दिस इज योर कंडेंसर लेंसेज, यहाँ पे कुछ नॉब्स एडजस्ट करने के लिए हाइट, उसके अलावा जो है बैक एंड फोर्थ या आपके लेफ्ट राइट मूवमेंट, कुछ स्टेजेस को मूव करने के लिए है, यहाँ पे आप स्टेजेस अपना सैंपल रखेंगे, यहाँ से लाइट पास करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए, ये जाएगा आपका बॉडी यहाँ से ऑक्युलर लेंस के पास।
दिस इज द मोमेंट, कुछ इस तरीके से आपका मोमेंट हो रहा है। अब ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप, इनका जो है प्रॉपर्टी, इनका जो फंक्शन है, कुछ फिनोमेना पे डिपेंड करता है। सो हाउ वी कैन से दैट कि विच पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप इज गुड एंड विच वन इज नॉट गुड। जैसे कि हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के बोलते हैं इसका रिजोल्यूशन 1500 गुना हो सकता है, जबकि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपके लगभग लगभग 200000 गुना यानी 200 लाख टाइम जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसे 1500 है और जब ये लैक्स में कर रहा है, ठीक है। सो आखिर ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन को इतना एम्पलीफाई करवाता है और लाइट को इतना एम्पलीफाई करवा रहा है? और याद रहे कि एम्पलीफिकेशन इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी। सो फिर हम कैसे रीड आउट करेंगे कि आखिर क्या प्रॉपर्टी है किसी भी माइक्रोस्कोप के अच्छे होने के लिए? तो पहला जो टर्म है या पहली चीज जो है वो है मैग्नीफिकेशन। किसी भी माइक्रोस्कोप में सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है। आफ्टर मैग्नीफिकेशन पावर दिस नेक्स्ट टर्म्स कम्स, दैट इज योर डेफिनेशन। आपने कई बार सुना होगा हाई डेफिनेशन वीडियो, एचडी टीवी, एचडी वीडियो। व्हाट इज एचडी? हाई डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन वही माइक्रोस्कोप के साथ भी है। एंड आफ्टर डेफिनेशन देयर इज अ रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये हमेशा जैसे कैमरे में भी जो लेंस लगते हैं और जो माइक्रोस्कोप में भी लेंस लगते हैं, उन सभी में जो है रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में जानने के लिए। क्योंकि जितना रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतना ही वो माइक्रोस्कोप अच्छा होगा। बट रिजोल्यूशन जानने के लिए या रिजोल्यूशन को समझने के लिए आपको कई सारी प्रॉपर्टी पे पढ़ना पड़ेगा। Somebody said pixel. What is pixel? Pixel क्या होता है? तो देखो जनरली कैमरे में बोला जाता है 64 मेगापिक्सल। उसके अलावा जो है 128 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। मेगा मतलब होता है 10^6 पिक्सल्स। क्वालिटी, वाओ। ऐसा क्वालिटी अगर सिर्फ मेगापिक्सल से होती तो DSLR तो बेकार ही है। आप 128 मेगापिक्सल का कैमरा ले लो, उसी से पूरी शादी का फोटो खींच लो। DSLR तो 16 मेगापिक्सल देता है ना भाई। उसके पास बेचारे के पास सिर्फ 16 मेगापिक्सल है। Smaller part and the higher part. Pixel is something बेकू बना है, डी वैल्यू। पिक्सल मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन टू डॉट्स। वाओ, और कोई बताएगा? जूमिंग कैपेसिटी। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन क्या फिर? चलो थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। याद है पिक्सल जो आपको मोबाइल कंपनीज बताती हैं उनके कैमरे में पिक्सल है, दैट इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी थिंग्स। आपके लिए सबसे बेस्ट किसी भी लेंस के लिए जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन। एंड रिजोल्यूशन डजंट मीन पिक्सल। पिक्सल जो है वो थोड़ा सा समाव आपसे मिलता जुलता जरूर लगेगा, ना ही वो जूमिंग कैपेसिटी है ना ही वो जो है रिजोल्यूशन है। पिक्सल क्या कहता है कि जैसे समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज 10 मेगापिक्सल एंड दैट लाइक 128 मेगापिक्सल। कि यहां पे अगर एक फिक्स्ड एरिया की बात करी जाए तो इसमें करीब करीब 64 × 10^6 जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेजेस के उतने हैं। जो स्मॉल डॉट्स होते हैं जो मिलकर एक होल इमेज की तरह नजर आते हैं। इमेजेस आर लाइक छोटे छोटे पिक्सल्स ही तो होते हैं ऐसे से, है ना। ऐसे से जब आप देखोगे कभी इमेजेस को तो एक्चुअली में पिक्सल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं। तो 64 ये बताता है कि इतने छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। एंड अगर 128 है तो इसी उतने ही एरिया में 64 की जगह 128 होगा। 10 वाले में से 10 वाला, इनमें ज्यादा फर्क नहीं, इसका जस्ट डबल है ये उस तरीके से। इसी वजह से आपके पिक्सल से क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं आता, बस थोड़ा सा फर्क आता है जब आप डिजिटल जूम करते हैं तो मोबाइल में थोड़ी सी जूमिंग जो है, जब फोटो क्लिक करने के बाद जो आप डिजिटल जूम करते हैं, फोटो दो तरीके की जूमिंग होती है, ऑप्टिकल डिजिटल। ऑप्टिकल का मतलब लेंस में जब जूम करते हैं तब, चाहे कितने मेगापिक्सल का कैमरा हो, जब लेंस से जूम करते हैं तो उस तरीके का जूम करता ही नहीं है, वो ब्लर होगा ही होगा। आप कभी भी देख लो, कितना आप 120 मेगापिक्सल का लेके आओ, चाहे वन प्लस लेके आओ, चाहे आप आईफोन लेके आओ, अगर जब फोटो खींचते वक्त आप जूम करोगे क्वालिटी डिग्रेड होगी, बिकॉज रिजोल्यूशन उतना नहीं होता जैसा DSLR में हो रहा होता है। DSLR का रिजोल्यूशन काफी अच्छा होता है, आप जूम भी करोगे तो भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट फोन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फोन में पिक्सल्स जो है वो टूटते हैं और पिक्सल्स का रिजोल्यूशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, पिक्सल सिर्फ आपको फोटो को विजुलाइज करने में थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लैरिटी का मतलब सीधी सी बात है, जरा समझिए इसको, इस तरीके से बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक एरिया है, इसमें मैंने 10 डॉट भरे हैं, कलर भरने के लिए मैंने 10 जगह किया है, और एक जगह पे 60, यानी इसमें और अच्छे अच्छे डॉट्स भरे, तो विजुलाइजेशन में ज्यादा कलरफुल लगेगा, ज्यादा जो है खिला खिला लगेगा ये इमेज, क्योंकि इसमें वही पिक्सल्स ज्यादा है। ग्रीन कलर के 60 पिक्सल्स है और इसमें 64 है, उसमें से 10 है, तो कम खिला जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी इमेज जो कलर्स हैं जो चीजें वो निकलेगी। ये पिक्सल की कहानी, दैट्स इट। जूम करना, रिजोल्यूशन, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लैरिटी बोल सकते हैं थोड़े बहुत शब्दों में, जो डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है। आप पिक्सल को अगर डिफाइन करोगे तो इट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन, एचडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बट नॉट रिलेटेड विद द रिजोल्यूशन। हम बात करते हैं इन सब चीजों का मतलब क्या। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब होता है जूम, यही है जूम, कितना आप जूम कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई कितना कर सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब है क्लैरिटी, बाउंड्री, दो पर्टिकुलर चीजें जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो कितना क्लियरली विजिबल है, बाउंड्री कितना क्लियरली है, दैट इज डेफिनेशन। एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पिक्सल, नंबर ऑफ डॉट्स जिसको हम बोलते हैं, या पिक्सल्स, ये भी आपके क्लैरिटी से ही रिलेटेड होता है। क्लियर पिक्चर्स, कलर्स अच्छे आएंगे, क्लैरिटी अच्छी मिलेगी, पिक्सल्स रिलेटेड टू द डेफिनेशन। इसलिए आपको कभी भी पिक्सल में कोई भी कंपनी कभी नहीं बोलेगी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, हमेशा बोलेगी एचक्यू पिक्चर क्वालिटी, एचडी पिक्चर क्वालिटी। कभी भी देखा ना जो प्रमोट करता है तो क्यों नहीं बोलता कि हाई रिजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि इस पिक्सल से आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। बट रिजोल्यूशन इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन क्या है, थोड़ा सब्र करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए, किसी भी लेंस के लिए। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन, इंडीड ब्रेक तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि 40 मिनट तो आप ऐसे खा गए मेरा, ठीक है ना। मतलब ठीक है, कुंभकर्ण खाता था 6 महीने और 6 महीने सोता था, आप लोग एक महीने एक घंटा खा गए और एक घंटा पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे नो ब्रेक सर, लेकिन मैं तो एक घंटा बोल ही रहा था ना उस टाइम पे भी, मुझको तो चाहिए। गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ मिनट ना।
मेरा डिसकनेक्टेड सो रहा है। क्या हो गया भाई सर, कैसे दिख रहे हैं? ठीक है, कभी कभी इंसान खराब भी दिखता है, इसका क्या मतलब है? मजाक उड़ाओगे मेरा। मैग्निफिकेशन की ऊपर बात करते हैं, एंड मैग्निफिकेशन इज व्हाट? दैट इज ऑप्टिकल जूम। जैसे हम कभी आप कैमरा खोलेंगे मोबाइल का, तो आप मोबाइल खोल कैमरा खोल के जब आप जूम कर रहे हो, दैट इज ऑप्टिकल, आप लेंस को जूम कर रहे हैं। और जब आप फोटो को जूम करते हैं, दैट इज अ डिजिटल जूम। तो ये मैग्निफिकेशन इज समथिंग दैट इज ऑप्टिकल जूम। आप ऑप्टिकल जूम कर रहे हैं किसी चीज को विद लेंस, आप लेंस के थ्रू जो उसको मैग्निफाई करना चाह रहे हैं, इमेजेस को नहीं मैग्निफाई कर रहे हैं या लेंस को मैग्निफाई कर रहे हैं, लेंस के थ्रू किसी चीज को मैग्निफाई करना चाह रहे हैं। गिव मी सेकंड प्लीज। ऑप्टिकल जूम दैट इनलार्जिंग समथिंग ना। अभी कई लोग इनलार्ज करेंगे, ये मेरा बच्चा है, ठीक है ना। इनलार्जिंग समथिंग, आप ऑप्टिकल जूम करेंगे किसी इमेजेस को, जैसे कि लेंस के साथ इनलार्ज करें, अपीयरेंस में, फिजिकल साइज में नहीं। दिस इनलार्जमेंट इज क्वांटिफाइड बाय द कैलकुलेटेड नंबर, आल्सो कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमेशा जो है मिक्सचर होता है आपके आईपीस का और ऑब्जेक्टिव लेंसेज का। आईपीस का जो लेंस होता है जिसको हम ऑक्युलर लेंसेज बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, दोनों के मैग्निफिकेशन पावर का मल्टीप्लीकेशन मैग्निफिकेशन होता है। सो आपके पास ऑक्युलर लेंसेज है, आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये दोनों लेंसेज जो है, इन दोनों लेंसेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल और फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर आईपीस का जो पावर है वो 10x है, हम जो आईपीस से देख रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर है वो 100x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? दैट विल बी 10 into 100x। 10 जो है वो ऑक्युलर का और 100 जो है वो ऑब्जेक्टिव का। तो ऑक्युलर इनटू ऑब्जेक्टिव दैट विल बी 100 into 100,000। अरे भाई साहब कितने लोग क्वालिफाई कर गए यार, फोन पे फोन मैसेज पे मैसेज आ जा रहा है, अब उठाऊंगा नहीं मैं, बाद में आते हैं। तो साइलेंट ही कर देता हूँ मैं, चलता रहेगा। ठीक है, चलो फोन साइलेंट, आराम से फोन पड़ाएगा, बार बार टेनेंट टेनेंट चलता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा, आपका नंबर कैसे मिला लोगों को, चाहने वाले क्या क्या नहीं ढूंढ लेते हैं। मैग्निफिकेशन में आपको क्या बताया गया, मैग्निफिकेशन जो है वो आपके आई ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैग्निफाइंग पावर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल जूम है, जो आपको बताया गया। एक छोटा सा सैंपल आपको वर्चुअल इमेजेस के तौर पे काफी बड़ा नजर आएगा, लाइक दिस वन, बहुत छोटू सा, बट वर्चुअल इमेजेस लाइक दिस वन, कैसे पता कितना इतना बड़ा दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलरली। और अगर आईपीस का जो है 10x है, ऑब्जेक्टिव का 4x है, तो व्हाट शुड बी टोटल मैग्निफिकेशन? 40x। इस तरीके से केसेस जो है वो चलता है। दिस इज वन मैग्निफिकेशन व्हिच इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ साथ एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होते हैं। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या होता है? एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा है और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, व्हाट इज इट? समझिए, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो उसका जो एंगल पड़ रहा होता है यहाँ पे आईपीस पे, यहाँ जब देख रहे होते हैं, तो वो बहुत कम है, और जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल इधर भी बनेगा। इसकी वजह से ये एंगल नैरो होता है, और नैरो होने की वजह से जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है। और कोई इमेज जब नियर होता है, बिकॉज हियर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो जब ये बीटा यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे बीटा ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये इमेज जो है उतना ही लार्जर बनेगा। सो दैट्स व्हाई जब हम उसको करीब रखते हैं तो उसका इमेज ज्यादा बड़ा दिखता है। अब ये नॉर्मल सी बात है ना, कोई दूर होता है तो छोटा दिखाई दे रहा होता है, जैसे 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 करीब आता है वो बड़ा दिखाई देता है। क्यों? कब तक? एक 25 सेंटीमीटर जो हमारी आंखों के दूर होता है, 15-10-25 वो ऑप्टिमम होता है, इसके बाद फिर ब्लड होने लगता है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी आंखों का 25 सेंटीमीटर है। तो एंड दैट इज फॉर आवर आईज, बट लेंसेज के लिए तो हम अलग अलग सेट कर सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे जो है जितना करीब होगा उतना बेटर होगा, और जितना दूर चला जाएगा उतना ही जो है वो आपका स्मॉलर इमेज बनेगा। दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन की प्रोसेस की वजह से होगा कि जितना एंगल छोटा होगा, जितना दूर होगा उतना ही एंगल छोटा होगा, जब एंगल स्मॉल होगा तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज स्मॉल बनेगा। और अगर एंगल बड़ा होगा, नियर है, तो एंगल जो है वो लार्ज हुआ, और अगर एंगल लार्ज हुआ तो इमेज लार्ज बनेगा। लोग किसी को दूर की चीजें ज्यादा नजर आती है, नजदीक नहीं आती, किसी को नजदीक अच्छा दिखता, दूर का नहीं दिखता, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट दैट इज द केस, वो तो हम चश्मे के साथ सही कर लेते हैं। फिलहाल के लिए आपका जो है ये पर्टिकुलर केस समझ में आ गया, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन एंड पिक्सल, बात देखिए, द सेकंड वन इज योर डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब है टू डिफाइन। व्हाट? टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट और पिक्सल। जैसे जरा समझिए कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्लास लाइट था, इस कवर स्लिप, यहाँ पे हमने सैंपल्स रखे, छोटे 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 बैक्टीरिया थे सैंपल्स, ठीक है।
अब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इज गोइंग टू इनलार्ज, ये इनलार्ज होगा। दिस अ टू वे टू इनलार्ज दिस पर्टिकुलर वन। अब एक हाई डेफिनेशन और एक लो डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अब इसी चीज को हम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बैक्टीरिया नजर आना, जबकि हियर इन दिस केसेस लाइक दिस। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो इस केस में जो सेल्स के बीच की बाउंड्री है दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल। डिफाइन द बाउंड्री, यहाँ पे क्या है जो सेल्स, अगर हम सेल्स को विजुलाइज कर रहे थे तो बाउंड्री जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। बाउंड्री इज नॉट क्लियरली विजिबल। अब ये क्लियरली विजिबल नहीं है बाउंड्री, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन डेफिनेट, लो डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन कम है। तो डेफिनेशन इज समथिंग व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्लैरिटी, क्लैरिटी की बात करें। जैसे कोई चीज क्लैरिटी के साथ दिख रही है, डेफिनेट हाई डेफिनेशन के वीडियोस है। आप कभी भी यूट्यूब पे जाते हैं वहाँ पे कई अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे आप 240 पिक्सल पे जाते हैं, है ना, ये तो सिलेक्ट करते हैं पिक्सल ही, तो डेफिनेशन ही तो है पिक्सल, क्लैरिटी पिक्सल एक ही बात है। तो आपके पास 144 लोवेस्ट होता है, फिर 240, फिर 360, फिर 480, है ना, फिर उसके बाद अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, फिर 720, फिर 1080, फिर उसके बाद 144, फिर उसके बाद 4K, 8K, ऐसे चलता रहता है। तो दिस इज योर 2K, इसका डबल होगा तो 4K, फिर 8K, ऐसे वीडियो चलेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं अगर जब बात करूँ तो यहाँ पे ये पिक्सल्स ही होते हैं। जितना ज्यादा पिक्सल्स बढ़ेगा मतलब उतना ज्यादा जो है क्लैरिटी हमें मिलेगी, उतना ज्यादा बाउंड्री से प्रेसेस मिलेगा। 240 में आपको वीडियो तो दिखता है लेकिन क्लैरिटी नहीं दिखता, ये इमेजेस है, ये इमेजेस है, ये इमेजेस है, ये नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे आप 720 जाते हैं आपको थोड़ा और अच्छा दिखने, आपको इतना सुटेबल है 720 गुड, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो डेटा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन और अच्छा जाते हैं तो आप 4K या 8K पे जाते हैं। 8K इज लाइक सुपर HD होता है, अल्ट्रा HD। 4K और 8K जो होते हैं वो आपके अल्ट्रा HD में आते हैं। जैसे टीवी नहीं, अल्ट्रा HD टीवी, 4K वीडियोस, 8K वीडियोस, 4K बहुत ही मतलब शार्प इमेजेस होते हैं, क्लैरिटी दिखता है पूरा, कलर अच्छे से दिखता, क्लैरिटी दिखता। तो ये चीज आपको किसमें मिल रही है, डेफिनेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे बाउंड्री क्लियरली विजिबल नहीं था, डिटेल्स नहीं था, यस इट डिटरमाइंस डिटेल्स, यू कैन से दैट डिटेल्स को बताता है कि आखिर कितना क्लैरिटी, डिटेल्स का मतलब क्लैरिटी का मतलब कितने डिटेलिंग में जा पा रहे हैं आप। इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि शर्ट कौन सी कंपनी का पहना हुआ है, अगर लिखा भी होगा तो भी। लेकिन जब 8K और 4K में देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो लुई फिलिप का है ना, तो आप बोल सकते हैं जूता कौन सा पहना, हो सकता है यहाँ पे एडिडास भी पहना है 240 पे, तो भी नहीं आपको लगेगा एडिडास लिखा हुआ है। लेकिन 8K में देखेंगे तो चला ये तो एडिडास है, एडिडास नहीं है, तो लोकल है। ये सब क्लैरिटी जो है वो आपको इसमें दिखती है HD में, डेफिनेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री सेपरेशन, अगर मैं इमेजेस की बात करूँ, सेल्स की बात करूँ, वो तो बात रही है जनरल नॉर्मल शब्दों में, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपके सेल्स और लाइफ साइंस में कैसे हम HD या डेफिनेशन को बात करें, तो जो बाउंड्री होती है सेल्स की, टिश्यूज की, वो बाउंड्री कितनी क्लियरली विजिबल, अगर बाउंड्री जो है वो क्लियरली विजिबल है तो वो HD है, हाई डेफिनेशन है। आगे बढ़े, दैट द थर्ड पॉइंट, मैग्नीफिकेशन ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिना मैग्नीफिकेशन से काम नहीं बनेगा। लेकिन मैग्नीफिकेशन इज नॉट द मोस्ट एसेंशियल वन, मैग्नीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिजोल्यूशन। चलिए बात करते हैं रिजोल्यूशन पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर लेंसेज, ठीक है। इसी वजह से आपके 16 मेगापिक्सल का कैमरा DSLR में मोबाइल फोन से हमेशा अच्छी फोटो खींच के देगा, हमेशा। उसमें पिक्सल HD की बात नहीं होती, उसमें रिजोल्यूशन भी इमेजेस के लिए मैटर करता है। हम सिर्फ HD पिक्चर बना सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको एक पर्सनल सजेशन भी दे सकता हूँ कि जिस मोबाइल फोन के कैमरे जो होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं। आजकल देखते हो कि फोन हमेशा पतले करने के चक्कर में कैमरा बाहर निकल जाता है, लेकिन जिसका जितना ज्यादा बाहर निकल रहा था उसका रिजोल्यूशन उतना प्रॉपर होता है, वो क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट, रिजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल रेडिएटिंग पॉइंट्स। कहने का ये मतलब है कि दो सबसे छोटे से छोटे पॉइंट कहां तक दिखा सकता है रिजोल्यूशन का, मतलब कितने डेप्थ तक जा सकता है वो, कितने, जैसे कि हमारे हो सकते हैं कि अगर दो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल जो है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 नैनोमीटर है, या अगर इनको भी सेपरेट कर दे कि ये देखो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, अगर ये इनके बीच के डिस्टेंस को बता पा रहा है, इनको बता पा रहा है कि ये दो है तो ये बहुत अच्छा है। अगर हो सकता है कि लेस रिजल्ट होगा तो इनको एक ही तरीके से कंसीडर करेगा, लेस रिजल्ट बोलेगा कि ये तो एक ही है, लेकिन मोर रिजल्ट बोलेगा नहीं ये दो है। सो रिजोल्यूशन का मतलब है डेप्थ जो प्रोवाइड होती है उसकी बात होती है। इमेजेस में जब आप देखते हैं ना DSLR से खींचे हुए पिक्चर्स को डेप्थ में खोलते चले जाइए, चाहे ऑप्टिकल जूम करिए उस लेंस को, चाहे डिजिटल जूम करिए, आपको कोई भी ब्लर या कभी भी फोटो फटती नहीं है, बिकॉज उसमें इतना डेप्थ होता है कि छोटे से छोटे हिस्से को भी क्लैरिटी के साथ विजुलाइज करता है। सो टू डिस्टिंग्विशेबल रेडिएटिंग पॉइंट्स को कितने मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकता है, मिनिमम डिस्टेंस, जितने छोटे से छोटे डिस्टेंस पे जाएगा उतना ही रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मिनिमम डिस्टेंस उतना अच्छा रिजल्ट इमेजेस, क्योंकि जब हम उसको जूम करेंगे, जब हम उसको देखेंगे तो कितने छोटे डिस्टेंस तक वो पहुंच सकता है। और चर्चा करते हैं इस पर, द माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन को बेसिकली बताते हैं, एंड माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, दो सेपरेट पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है जो माइक्रोस्कोप उसको डिस्टिंग्विश कर सके कि वो दो अलग अलग एंटिटीज है, मतलब डिस्टिंक्ट एंटिटीज है। इफ द टू पॉइंट्स आर क्लोजर टुगेदर देन योर रिजोल्यूशन देन दे विल अपीयर इल डिफाइंड एंड एट द पोजीशंस विल बी इनएक्जैक्ट। अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स साथ में है और अगर आपका माइक्रोस्कोप उनको डिफाइन नहीं कर पा रहा, इल डिफाइन कर रहा, इल डिफाइन का मतलब पुअर डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पोजीशन है वो एक्जैक्ट नहीं है। किसी भी माइक्रोस्कोप को बोलते हैं वो हायर मैग्नीफिकेशन है, बट अगर लेंसेज पुअर रिजोल्यूशन को बोल रहा है तो माइक्रोस्कोप जो है इमेज क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। अब चाहे कितना भी मैग्नीफिकेशन कर ले, अगर उसका रिजोल्यूशन नहीं तो इमेज क्वालिटी इज गोइंग टू डिग्रेडेड, एंड सेम विद द पिक्सल एज वेल, ठीक है ना। सो रिजोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हाउ रिजोल्यूशन वर्क्स, इसके लिए एक एबे इक्वेशन आता है। व्हाट इज एबेस इक्वेशन? एबेस इक्वेशन ये बोलते हैं कि द रिजॉल्विंग पावर इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड डिवाइडेड बाय 2 इनटू द न्यूमेरिकल अपर्चर्स। इसको और थोड़ा सा इन्होंने बताया कि डी दैट इज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। याद रखना, दिस इज अ वन टर्म, रिजोल्यूशन एंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। कई लोग इनमें समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, लेकिन कई सारे बुक्स में कई सारे जगहों पे लोग रिजोल्यूशन को ही डी रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज नॉट डी। कई जगहों पे अभी भी इवन CSIR क्वेश्चन पूछते वक्त भी रिजोल्यूशन को डी बोल देता है,
बट रिजोल्यूशन इज नॉट डी, एक्चुअली में ये एक इनकरेक्ट इन्फो है, प्रॉपर इन्फो नहीं है, है ना, इनकरेक्ट इन्फो है. करेक्ट क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज डी. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी. अभी डी क्या है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स. वो छोटा से छोटा डिस्टेंस क्या है जो दो डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स के बीच में दिख रहा है हमें, जैसे कि 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, कितने छोटे लेवल तक वो जा सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. अब हमेशा याद रखें, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर और रिजॉल्विंग पावर. कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, याद रहे ये दोनों वैल्यू कम होगी जितनी उतना ही हमारे लिए अच्छा है. मैंने बोला वैसे तो रिजोल्यूशन डी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोल देता है, लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं बोलता, इसलिए डिफॉल्ट केस मतलब ओरिजिनल करेक्ट इन्फो यही है. बट अगर कुछ ना दिया हो तो आप ये भी कर सकते हैं, एज्यूम करेक्ट इफ गिवन. अगर आपको दिया हो रिजोल्यूशन ही डी, तो मान के चलो भाई कि हाँ ठीक है, रिजोल्यूशन को डी मान लिया. अब जब डी मान लिया तो डी जब एक्चुअल में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, तो जब ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब जितना ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप, उतना ही अच्छा लेंस. तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ देयर इज वन टर्म व्हिच इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर. ये आपका एक्चुअल में टर्म रिजॉल्विंग पावर, कितनी उसकी पावर कितना अच्छा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d. रिजॉल्विंग पावर हमेशा जो है 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना छोटा डिस्टेंस उतना ही पावर अच्छा हो सकता है. देखो जैसे समझने की कोशिश करो, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलूं कि 1 मिलीमीटर है और एक है 1 माइक्रोमीटर और एक है 1 नैनोमीटर, ये सभी के सभी डी की वैल्यूज है, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. एक सिर्फ मिनिमम उस छोटे से छोटे डिस्टेंस पे जा सकता है जो 1 मिलीमीटर है, एक 1 माइक्रोमीटर के पॉइंट्स को भी क्लैरिटी से हमें दिखा सकता है, एक है 1 नैनोमीटर तक लेवल पे भी हमें जो है सेपरेशन दे सकता है. तो इनमें से सबसे ज्यादा पावर ही तो है, ये सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा और ये सबसे लोवेस्ट है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ये इंटरमीडिएट है, ठीक है. सो हाउ द रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. माइक्रोस्कोपी से इसी टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो पाती है. याद रहे कि हमेशा जो पावर है रिजॉल्विंग पावर, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज पी, पी का मतलब पावर, हमेशा पी जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ हाउ डी कैन बी कैलकुलेटेड, कई जगह पे इसको कैप्स डी में लिखते हैं, कई जगह पे स्मॉल डी में लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. डी इज रिप्रेजेंटेड एज 0.61, आई रिपीट इट इज 0.61 डिवाइडेड बाई एन ए, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन ए. इसको और ज्यादा मैं करूं तो इट इज 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एन साइन थीटा, दिस इज द बेस. अभी साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है अल्फा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा होगा नॉट थीटा, साइन अल्फा, अल्फा जो होता है वो थीटा बाई 2 होता है. क्या है हम अभी बात करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था अल्फा की वैल्यू, याद करिए यहाँ पे दिस वन, ये जो एंगुलर अपर्चर है यही अल्फा है, एंगुलर अपर्चर, ठीक है ना, विल टॉक अबाउट इट. तो इस चीज यही फॉर्मुला आपको पूरा काम बताने वाले, इस फॉर्मुले में याद रखिए कि डी जो है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, एन ए इज न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, हियर स्मॉल एन, एन इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड अल्फा इज अ एंगुलर अपर्चर. ये और साइन तो आप जानते हैं, साइन कॉस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो वही है. ये फॉर्मुला है 0.6 लैम्डा बाय एन ए और 0.6 लैम्डा बाय 2 एन साइन अल्फा. अब इन कंडीशंस को जरा समझने की कोशिश करिए कि इसी चीज में हमने क्या बताया कि आपके पास ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में हमने ये बोला कि जब डी ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा और डी कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है. तो लेट्स टॉक अबाउट हियर, मैं इसी को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, जरा समझिए, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं. एज यू कैन सी दैट, इसको देखने के बाद पहले ये देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, डी को अगर इनवर्स कर दूं 1/d कर दूं, ठीक है ना, डी को इनवर्स कर दूं 1/d कर दूं, तो ये इक्वेशन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर और नीचे की तरफ हो जाएगा 0.61 इनटू लैम्डा. यानी अगर मैं इसको इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से समझने की ना कोशिश करूं, बताऊं तो 1/d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू na एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. 1/d की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जबकि अगर डी के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो डी के लिए जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/na. डी ऐसे चला है, 1/d ऐसे चला उल्टा. सिमिलरली 1/d को और अगर इस इक्वेशन से एम्पलीफाई किया तो ये भी पलटेगा, ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 2n sin अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा वाला तो रिलेशन देख चुके हैं, इनवर्स रिलेशन था, लेकिन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके sin अल्फा के लिए, ठीक है ना, ये कहानी समझ में आ रही है, चलिए ग्रेट. और हमें पता है कि 1/d जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिजॉल्विंग पावर के, रिजॉल्विंग पावर के. और अल्टीमेटली हमें किसी भी माइक्रोस्कोप को बेटर बनाने के लिए रिजॉल्विंग पावर को खराब करना है कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम करना है, ठीक है ना. एक बेटर माइक्रोस्कोप में, एक बेटर माइक्रोस्कोप तब आपको मिलेगा, एक बेटर माइक्रोस्कोप तब आपको मिलेगा व्हेन व्हेन द रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज करे, और 1/d यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो वो डिक्रीज करे, तभी तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है. रिजॉल्विंग पावर शुड इंक्रीज एंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन शुड डिक्रीज. अब इसी पर्सपेक्टिव से यहां देखो, ये डी तब डिक्रीज करेगा जब आपका लैम्डा डिक्रीज करे. इस इक्वेशन से देखो ये कब डिक्रीज करेगा, तब लैम्डा जो है डिक्रीज करे. तो यानी कि बेटर माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर बढ़े तब बढ़ेगा जब डी घटेगा, डी तब घटेगा जब लैम्डा घटेगा, सी. और या तो एन ए बढ़े, या तो जो है लैम्डा डिक्रीज करे, या तो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़े. न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़े मतलब आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़े. ये कहानी समझ में आ रही है क्या, किस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूं?
रिजॉल्विंग पावर से न्यूमेरिकल अपर्चर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए जब जब न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ रहा है तब तक रिजॉल्विंग पावर बढ़ रहा है, जब जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तब तक रिजॉल्विंग पावर बढ़ रहा है। बेटर माइक्रोस्कोप की कहानी आपको समझ में आई क्या? ये बेटर माइक्रोस्कोप में जो है आप ये कंडीशन देखते हुए पाया जाए। अब मैं एक ही चीज ये बोल सकता हूं कि रिजॉल्विंग पावर इफ, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 / d, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। अब इस केस में जरा समझिए कि यहां पे आपके लिए पूरी कहानी है। लैम्डा और रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। ये रिलेशन आप ध्यान रखें। तो मैं यहां पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका n a जो है वो बढ़ा, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो घटेगा और रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ेगा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन घटेगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। अगर आपका लैम्डा जो है वो बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा और रिजॉल्विंग पावर जो है वो घटेगा, ठीक है। इसी चीज को हम रिवर्स भी मान सकते हैं। रिवर्स बोले तो कैसे? अभी सब हमने फैक्टर्स को बढ़ाया, अब हम सब फैक्टर्स को जो है वो घटा दे रहा है, ठीक है। अगला देखिए कि अगर एन ए घटेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर घटेगा। अगर स्मॉल एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर घटेगा। लैम्डा बट लैम्डा घटा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन घटा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ा। ये कहानी भी समझ में आई क्या? इस कहानी को देखते हुए क्या तात्पर्य निकलता है कि अगर लैम्डा मिनिमम हो तो आपको बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा, एन ए मैक्सिमम हो तो बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो तो बेस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा। इस पूरे पूरे केस को देखते हुए अगर मैं बेस्ट रिजोल्यूशन की बात करूं तो व्हेन यू गेट द बेस्ट रिजोल्यूशंस, आपके पास बेस्ट रिजोल्यूशंस कंडीशंस कब बनेगी? जब न्यूमेरिकल अपर्चर मैक्सिमम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम हो। लाइक वी कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैं एक बार यहां पे आपको बोल दूं कि व्हेन एवर वी हैव द बेस्ट रिजॉल्विंग पावर के लिए लैम्डा शुड बी मिनिमम, न्यूमेरिकल अपर्चर शुड बी मैक्सिमम एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शुड बी मैक्सिमम, राइट। एंड व्हाट्स अबाउट साइन अल्फा? साइन अल्फा शुड बी 1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन अल्फा की वो 1 हो सकती है, इससे ज्यादा साइन अल्फा की वैल्यू होती है मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। और ये तब होती है जब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अल्फा इज व्हाट? 90 डिग्री। एंड अल्फा होता क्या है? अल्फा इज थीटा / 2। ये थीटा क्या है अभी आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, डोंट वरी। तो थीटा / 2 होता है, तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। थीटा जब 180 डिग्री होगा तब आपका अल्फा जो है वो आपका 90 डिग्री होगा, और फिर जो है वो 90 डिग्री से साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बट दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों अभी बताता हूं मैं, फिलहाल अभी यहाँ पे ये देख लीजिए, इसके बाद प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अगर इसने देखा तो जैसे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शंस सी, ऑप्शंस डी। इसमें जो है लैम्डा की वैल्यू एक जगह लिखी हुई है 455 नैनोमीटर, एक लैम्डा की वैल्यू है 405 नैनोमीटर, एक लैम्डा की वैल्यू 475 नैनोमीटर और एक लैम्डा की वैल्यू है 435 नैनोमीटर। अब इनमें से अगर सिर्फ लैम्डा के बेसिस पे देखोगे तो बेस्ट रिजोल्यूशन किसमें मिलेगा, बेस्ट रिजॉल्विंग पावर किसमें मिलेगा? बी में, है ना। अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल करने के लिए इस क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पे ये है, अब इसको कर देता हूँ, इसको भी 405, इसको भी। अब इसमें दो जगह पे मिलेगा बेस्ट, एक बी में और एक डी में। इसको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। NA न्यूमेरिकल अपर्चर जो है यहां पे रखा गया 1.51, न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.51, इसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.33 और इसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया 1.33। सी, अब बी और डी में से कौन हो सकता है? बी और डी, देखो ये मिनिमम होना चाहिए लेकिन ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो मिनिमम दो ऑप्शंस में अवेलेबल थे, यहां और यहां, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? ये यहां, ठीक है। इसको और मैं वो कर सकता हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ, चलो मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी यहां पे जोड़ता हूं, ये है 1.0, यहां पे जो है ये 1.3 है, ये जो है 1.0 है और यहाँ पे भी 1.0, अगेन यही केस बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है मैं केस करने की कोशिश करूँ, सिंप्लीफाई कर, मतलब ये जब हो रहे थे तो मैं दो ऑप्शन सब मैच करा दिया हूँ जस्ट टू लाइक बी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में, ये तीनों मैच कर रहे थे लेकिन इसमें एन ए ज्यादा था, लेकिन इसमें से इन दोनों में ये केस था। अब इसमें साइन अल्फा की बात आ रही है, अब साइन अल्फा की जगह मैं थीटा रख सकता हूँ, थीटा रखना, साइन अल्फा नहीं रखना, याद रखना, अब कौन ऑप्शन होने वाला है? बी। बात समझ में आ रही है ना, हम हर एक पैरामीटर को वेरीफाई करेंगे। हमें मिनिमम लैम्डा जो है वो तीन ऑप्शन में मिल रहा था, इसमें, 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 इन दो में से हमें मैक्सिमम एन ए जो मिल रहा था वो दो में मिल रहा था, उसमें से स्मॉल एन भी दो में मिल रहा था और जो थीटा की वैल्यू 180 से मिल रही थी। सो दिस इज द ऑप्शन जो हमें चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं, इवन कभी कभी फिक्स वैल्यू के साथ क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ये रही फिक्स वैल्यू, इसके हिसाब से क्या होगा आपके पास कंडीशंस। अब इसमें क्या होता है कि व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा और थीटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में थीटा इज, थीटा जो होता है अभी एक्चुअली डायमीटर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता होता है। इस डायग्राम को देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल अपर्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ये है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है एक तरीके से डायमीटर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ लेंसेस। जो डायमीटर होता है, जितना चौड़ा डायमीटर होगा उतना ही अच्छा जो है न्यूमेरिकल अपर्चर। मैंने सोचा था ये सैमसंग वालों को आइडिया दे दो कि भाई अपने लेंस का डायमीटर बढ़ा, पिक्सल नहीं, और बता कि आप रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो लोग तुम्हारी फोटो की क्वालिटी भी बढ़ेगी और लोग लेंगे भी। इतना बड़ा फोन है तो थोड़ा डायमीटर बढ़ा दो, लेंस के चार लेंस करने के बाद एक लेंस रखो, अच्छे डाय वाला रखो, ये लोग अलग अलग चार लेंस रख देता है। अरे बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, लोग बताने वाला कोई नहीं होगा, सोच नहीं रहा होगा उस तरीके से, बट नॉलेज होता है, बट कभी कभी क्लिक नहीं करता, ठीक है। कभी क्लिक करेगा तो कोई इस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ जाएगा और फिर आप वो फोन हवा की तरह चलेगा। अब बात करते हैं, देखिए जरा सा इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में, एक लेंस ये है और ये है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए ये है अल्फा, जो पूरा का पूरा लाइट पास होता है, एक्चुअली में एक एंगल अल्फा है जो अपर्चर एंगल है, तो इसके इधर वाला एंगल भी तो अल्फा होगा ना, ये वाला भी तो अल्फा ही होगा,
और जब दोनों मिलेंगे तो एक्चुअली में दो अल्फा की तरह होगा, और दो अल्फा एक तरीके से, या इसको अगर हम थीटा के तरीके से रिप्रेजेंट करें तो उसी हिसाब से जो है वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि एक जो है 90 प्लस 90 वो आपका क्या हो जाएगा 180। तो एक्चुअली में थीटा इज टू अल्फा, यही तो बोला मैंने, अल्फा इज थीटा बाई टू, दैट्स द केस। अब जरा समझने की कोशिश करो ब्रो, क्या कि ये अगर 90 डिग्री हो, या इस मतलब इस चीज का प्रैक्टिकल कंडीशन देखने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। मेरे पास एक लेंस ऐसा है ना, इस लेंस में जो है एक बेसिक एक्सिस ऐसे है, इस लेंस के हिसाब से जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं यहां से पॉइंट ये निकला और ऐसे निकला, तो आपने देखा कि चलो भैया टू अल्फा, एक अल्फा इधर और एक अल्फा इधर, इस एंगल को अगर हम देखें तो लगभग लगभग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेरी 30 डिग्री हो, है ना, इस बेसिस को देख के देखा जाए तो, इसे 30 डिग्री ऐसे, जितना इसको इधर करोगे उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा, है ना। हो सकता है कि आप जो है अभी ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, एक का डायमीटर और बढ़ा देता, सी लाइक दिस वन, एक जो है डायमीटर बढ़ गया। अब इस केस में भी वही कहानी बनेगी, इस तरीके से जो है एक एक्सिस है, उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, सेम पॉइंट पे, अब सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इमेज कवर कर रहा है, इसे कर। अब आप इस सेंटर से इमेज देख रहे हो तो मे भी यहाँ पे अल्फा जो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा और ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होगी, है ना, एक अप्रॉक्सीमेशन देख ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिए ब्रो, कि अगर इस तरीके का एक्सिस है और इस एक्सिस से आपको 90 डिग्री चाहिए अल्फा की वैल्यू, यानी 90 डिग्री ऐसे और 90 डिग्री ऐसे, है ना, यही तो मतलब है, तभी तो इस एक्सिस से 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मतलब समझ रहे, ये दोनों लाइन अपोजिट होता है, ये कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे, इसका मतलब 90 डिग्री होने का मतलब जो लेंस का डायमीटर होगा वो इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, डायमीटर ऑफ लेंस शुड बी ऑफ इनफाइनाइट साइज, जब वो इनफाइनाइट साइज का होगा तभी जाके आपका 90 डिग्री मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है, कि प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से जो है कंडीशन आपके साथ अपीयर होता है। तो एन ए वाला जो केस है वो डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आप यहां पे भी देख सकते हैं, व्हेनेवर लाइट सोर्सेज जब सैंपल से टकरा के लाइट ऐसे निकलती है तो जितना ज्यादा लाइट लेंस के अंदर से जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही क्लियर उतना ही रिजोल्यूशन वाला सिग्नल मिलेगा, क्योंकि सारी लाइट कैप्चर कर लेगा वो, नैरो लेंस का डायमीटर होगा तो जब एमएस लाइट निकलेगा तो कम निकलेगा, लाइक यू कैन सी हियर कि देखिए ये इसका एन ए 0.75 है, तो ये हाई न्यूमेरिकल अपर्चर है, मोर डायमीटर कैप्चर्स मोर लाइट मोर रिजोल्यूशन, ज्यादा डायमीटर ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा ज्यादा रिजोल्यूशन, लेकिन इसका डायमीटर देखिए छोटा है, लेस डायमीटर लेस कैप्चर्स लाइट एंड लेस रिजोल्यूशन, पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे जो है रिजोल्यूशन का जो है न्यूमेरिकल अपर्चर पे, ओके। न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ साथ आपने कहानी सुनी होगी ऑयल इमर्शन के साथ, ऑयल इमर्शन भी रिजोल्यूशन बढ़ाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्यों ऑयल जो है वो यूज किया जाता है रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, रीजन बिंग दैट, जरा समझिए, हमने ऑप्टिक्स में ये चीज पढ़ी हुई थी कि जब लाइट हाईली डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है, है ना, वो क्या करती है, वो डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जब देखिए ये स्लाइड, ये लाइट सोर्स से सैंपल से जब लाइट टकरा के निकलती है तो ग्लास कवर स्लिप और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके बीच में थोड़ा सा एयर का लेयर होता है, क्योंकि एकदम सटा नहीं देते सैंपल से, और बिकॉज ऑफ एयर लेयर वो लाइट जो सैंपल से निकलती है वो डेविएट हो जाती है, क्योंकि वो डेंस से लाइटर मीडियम होती है, तो इस तरीके से डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे लाइट रेज होते हैं जो कि लेंस डायमीटर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 5 रेज में से 3 ही अंदर पास कर रहे हैं और 2 बाहर निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस, बट हम इस चीज को अवॉइड करते तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम पूरे के पूरे रेज को लेंस के अंदर ला सकते हैं, पहला तरीका तो या तो लेंस का डायमीटर बढ़ा दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप ये जो एयर है इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे ऑयल से, तो ऑयल जब यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5, तो मीडियम में कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फर्क पड़ा नहीं, तो ये पर्टिकुलर रेस सीधे पास करेंगे और कहीं पे डेविएट नहीं करेंगे, ड्यू टू दिस जितने भी रेस सैंपल से निकलेंगे वो सारे रेस ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएंगे, पांचों के पांचों रेस जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर रिजोल्यूशन होगा, तो विदाउट इमर्शन ऑयल देयर इज अ लेस रिजोल्यूशन बिकॉज देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, बट विद इमर्शन ऑयल देयर इज अ हाई रिजोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरीके से देखिए, ये ऑयल है और इस तरीके से आप, क्योंकि एयर आपने छोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट पहुंच रहा है और इसे इमेज जो है वो काफी अच्छी मिलती है, दिस इज द केस। अभी तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, अगर अगले क्लासेस के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय।